दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का रिजल्ट अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के रिजल्ट बात करेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आखिर क्या वजह है और कब तक रिजल्ट जो है वो आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से क्लास फोर्थ का एग्जाम जो है 7 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को कंडक्ट किया गया है और करीब एक महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं आया है। हमने एक बयान सुना था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन का, उन्होंने ये कहा था कि एक मंथ के अंदर अंदर जो है वो हम रिजल्ट निकालेंगे, बट एक मंथ से ज्यादा हो चुका है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 3 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट जो अपीयर हुए जेके एसएसबी क्लास फोर्थ एग्जाम में, वो इसी इंतजार में है। इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सब लोग जो है बेसब्री से जेके एसएसबी क्लास फोर्थ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, एक हफ्ता पहले यानी 25 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जेके एसएसबी ने एक ऑफिशियल लिंक जो है वो प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको सबमिट प्रेफरेंसेस करने थे। आपको सबमिट प्रेफरेंस करना था, यानी कि प्रेफरेंस सबमिट करने का मतलब ये था कि आप कहाँ पे जॉब करना चाहोगे, आप जम्मू डिवीजन में जॉब करना चाहोगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कैडर में जॉब करना चाहोगे, या आप यूटी कैडर में आप कहीं भी जॉब करना चाहोगे, तो वो प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करने थे। या अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते थे तो वो प्रेफरेंसेस जो है वो आपको सिलेक्ट करने थे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट नहीं किए हैं। अगर आपने वो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट नहीं किए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जेके एसएसबी की ऑफिशियल साइट पर जाएं और प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करें। अगर आपको पता नहीं चलता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मैं, हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने क्लियरली कहा है कि किस तरह से आप प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देखें और सबमिट प्रेफरेंसेस करें। तो जहां तक बात है रिजल्ट की, जेके एसएसबी क्लास फोर्थ रिजल्ट अपडेट की, तो दोस्तों हमने ये डेडलाइन देखी थी कि अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 अप्रैल तक रिजल्ट जो है वो आ सकता है। जेके एसएसबी ने प्रेफरेंस सिलेक्शन का जो है वो लिंक अभी भी ओपन करके रखा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रेफरेंस सिलेक्शन का पता नहीं, और जिन्होंने मैक्सिमम ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट नहीं किए हैं, इसलिए जेके एसएसबी ने प्रेफरेंस सिलेक्शन का जो कॉलम है वो एक्सटेंड किया है, उसको अभी भी एक्टिव रखा है वहाँ पे, उस लिंक को अभी भी एक्टिव रखा है। तो शायद इसी वजह से जो है वो डिले हो रहा है रिजल्ट में। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 3 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स अपीयर हुए क्लास एम में, तो ऐसे में बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क भी है 3.5 लाख एस्पिरेंट्स का रिजल्ट निकालना, उनको शॉर्टलिस्ट करना, ये काफ़ी बड़ा टास्क है दोस्तों। तो इसमें टाइम लग सकता है दोस्तों, 1.5 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, बट हम डेडलाइन लेके चलते हैं कि विद इन 15 अप्रैल, 15-16 अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा 20 अप्रैल तक जो है वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, रिजल्ट आउट हो जाएगा। दोस्तों आप सब्र कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए, अगर ज़्यादा लेट तो 15 या 20 अप्रैल तक जो है वो रिजल्ट आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। ये कोई क्लियरली डेडलाइन नहीं है कि 20 अप्रैल को ही आएगा या 15 अप्रैल को ही आएगा, उससे पहले भी आ सकता है, आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो आज से लेकर 20 अप्रैल तक की डेट में कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है, आप इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारी जेके एसएसबी क्लास फोर्थ रिजल्ट और कट ऑफ को लेके काफ़ी वीडियोस बनाई, आप आई बटन के क्लिक करके वीडियोस को देखें। उसमें हमने एक वीडियो बनाई है डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिशियल कट ऑफ की, ऑफिशियल वैकेंसीज और कट ऑफ की, दोस्तों आप उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखें। उसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें ऑफिशियल कट ऑफ पे भी हमने डिस्कस किया है, आप वो वीडियो भी देखें। आप आई बटन पर क्लिक करके या एंड पे जो है वो आपको दोनों वीडियोज मिल जाएंगी। उसके साथ साथ में और भी बाकी वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन सारी वीडियोस को जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। तो अगर आपकी कुछ क्वेरी होती है, अगर आपका कुछ सवाल होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लिंक है, आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो करें और हमें वहाँ पे अगर आपकी कोई ज़रूरी प्रॉब्लम है, अगर कोई ज़रूरी मैसेज है तो आप हमें वहाँ पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।